थाना फरहा क्षेत्र में पुलिस ने सवारी के रूप में वाहन में बिठाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं थाना रिफाइनरी पुलिस ने अवैध खनन करते 1 खनन माफियाओं को भी दबोच लिया है, जबकि अन्य भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से दम्फर एवं जेसीबी समेत 1 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए एसपी सिटी एमपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लुटेरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत फरहा पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे वाहन में लोगों को सफारियों के रूप में बिठाकर सुनसान रास्ते के उनके साथ लूट कर लेते थे। अब तक यह लुटेरे लूट की कई घटनाओं को अंजाम भी दे चुके थे। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से 25,000 रुपए पकड़े हैं। लुटेरों की नकदी, नशीला पाउडर और लूट में प्रयुक्त कार समेत लूटे गए जेवरात भी बरामद किए हैं। पकड़ी गई लुटेरे मयूर विहार दिल्ली निवासी सागर सूरज और अर्जुन सिंह बताए जा रहे हैं। जो गैंग पकड़ी गई है, क्या किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया करती है? 13 मार्च को एक आंशू शर्मा जो की एटा के रहने वाले हैं और पेशे से टीचर हैं, वो गोवर्धन आए थे दर्शन करने, और दर्शन करके जब वो गोवर्धन चौराहे पे सवारी का इंतजार कर रहे थे तो एक I-10 गाड़ी आई और इनसे कही कि हम आगरा तक चलेंगे, अगर आपको चलना हो तो मेरी गाड़ी में चल सकते हैं। उनको बस नहीं उस समय मिल रही थी तो उन्होंने ये सोच के कि जल्दी पहुंच जाएंगे, उस गाड़ी में बैठ गए। आगे चलने पे इनको बताया गया कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी गाड़ी है, इसमें सरकारी माल है, और आगे चेकिंग लगी हुई है। तो बाकी दो जो सहयात्री थे उन्होंने पहले अपने बैग से सामान निकाल के अपने कीमती सामान पैसे एक लिफाफे में डाल दिया। फिर आंसू ने भी सोचा कि जब और यात्री डाल रहे हैं तो इन्होंने भी डाल दिया, लेकिन उसको ये शंका हो गई कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसने थोड़ा विरोध किया तो उसका ATM और सब चीज़ें ले लिए और उससे पिन भी पूछ लिया और उसको फरहा क्षेत्र में धक्का मार के गाड़ी से उतार दिया था। ये घटना होने के बाद इसका मुकदमा फरहा थाना में पंजीकृत कराया गया। सर, इससे पहले भी इस गैंग ने और भी घटनाओं को अंजाम दिया? जब फरहा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तो फरहा थाने की एक टीम इस घटना के अनावरण के लिए क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी के नेतृत्व में काम करना शुरू की। काफ़ी अथक प्रयास के बाद हम लोगों ने गाड़ी को चिन्हित कर लिया और आज इनके तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक I-10 गाड़ी, 91,000 रुपये, एक अवैध शस्त्र, कुछ नशे की गोलियाँ और एक सोने की अंगूठी जो कि कोतवाली क्षेत्र की एक लूट की घटना में गायब गई थी वो बरामद हुई है। इन लोगों पे पूर्व में भी इनके आपराधिक इतिहास हैं और पूर्व में नोएडा में इसी तरह के अपराध में जेल गए थे। सर, आंसू शर्मा से उन्होंने क्या लिया था? आंसू से उनके पास जो नगद था और उसके ATM कार्ड को लेके उससे ATM पिन पूछ के ATM से भी पैसे निकाले थे। समय एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो रेलवे के ठेका लेकर खनन की परमिशन लेकर और मिट्टी डालने का जो काम करते हैं परमिशन लेकर, वो अवैध रूप से कहीं दूसरे स्थान से मिट्टी की चोरी कर रहे हैं। इस सूचना पे तत्काल SDM सदर साहब को अवगत कराया गया। उनके द्वारा अपनी एक टीम नायब तहसीलदार के नेतृत्व में भेजी गई, थाना पुलिस गई साथ में, और वहाँ जाकर जब मौके पर घेराबंदी करके पकड़ा गया तो वहाँ पर जो खनन कराने वाले थे वो लोग भाग गए, बाकी एक ड्राइवर पकड़ लिया गया। मौके पर पूछताछ में पता पड़ा कि ये लोग उन्हें गोपाल नाम के एक व्यक्ति के खेत की अनुमति खनन के लिए ली थी और मिट्टी चोरी जो कर रहे थे देवी सिंह के खेत से कर रहे थे। जब नीचे के लोग आते तो उन्हें बताते हमारे पास परमिशन है। तो इस तरह का एक गैंग काम कर रहा था जो नंबर 2 में अपना मिट्टी का खनन करता है। मौके से एक JCB, 2 डंपर, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और ये अड़ुकी के रहने वाले हैं। इसमें निरंजन, गुड्डन, उनके भाई ओमवीर और गिरधर, ये 4-5 लोग महत्वपूर्ण हैं। मुकदमा कायम कर दिया गया है इनके खिलाफ, फॉरेस्ट एक्ट का मुकदमा कायम हुआ क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा पेड़ JCB मशीन से तोड़ दिया था। सर, ये अनुमति कहीं की लेते थे और कहीं जो है खनन करते थे? खनन बिल्कुल ठीक है, ये एक्चुअली एक स्टाइल है इनका काम करने का कि अनुमति कहीं के लिए जो कहीं मिट्टी चोरी करी है, जिससे कोई शक ना करता। इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? इसमें 1 हुआ है, बाकी जो और लोग नामजद थे वो सब मौके से भाग गए थे। सर, खनन माफियाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर? बिल्कुल यही कि जो अवैध रूप से खनन करेगा उसके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
थाना रिफाइनरी पुलिस ने नायब तहसीलदार के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में मिट्टी के खनन अवैध करते हुए खनन माफियाओं पर छापामार कार्रवाई की तो खनन करने लोगों में हड़कंप मच गया और कम रोशनी का लाभ उठाकर आधा दर्जन लोग भागने में भी सफल रहे, जबकि पुलिस ने मौके से अड़ूकी थाना हाईवे निवासी देवकी नंदन को दबोच लिया है। पुलिस ने मौके से दो डंपर, एक जेसीबी और एक बाइक भी बरामद की है।